जो विपक्ष करेगा सब लोग मिलजुल कर करेंगे और हम लोग एक साथ करेंगे। ऊंट से पीटा गया ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत इन्होंने कर दी है। ये कल की जो घटना है लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे काला दिवस के रूप में दर्ज हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूं आपके साथ शिवम। कल बिहार विधानसभा में जो घटना घटी उसके बाद जो माले के विधायक हैं वो यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हाथ में काले पट्टी बांधकर। आप साफ तौर पे जो तस्वीर है वो देख पा रहे हैं। हम जो माले के विधायक हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही जो आज वो काले पट्टी बांध कर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम साफ तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ के विधायक हैं सुदामा प्रसाद, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या घटना है कि जो आप लोग काला पट्टी बांधकर आ गए? की जो घटना है उसी के खिलाफ में है। कल लोकतंत्र की हत्या हुई है और हम लोग बिहार के आवाम को भरोसा दिलाते हैं कि आपके लोकहित के सवालों को हम लोग विधानसभा में उठाएंगे और हमारे आंदोलनों को कुचलने का प्रयास किया जाएगा तो हम उसका करारा जवाब देंगे। विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी, अपने जन आंदोलनों के माध्यम से, जनतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से। और इसीलिए आज हम लोगों ने काला पट्टी लगाया है। पूरे बिहार में भाकपा माले की ओर से, तमाम विपक्षी दलों की ओर से धिक्कार दिवस मनाया जा रहा है। और 26 तारीख को जो भारत बंद है, जो किसानों के सवाल पर, व्यवसायियों के, ट्रांसपोर्टरों के सवाल पर, शिक्षा कर्मियों के सवाल पर, ये जो भारत बंद है हम उसको शानदार ढंग से सफल बनाएंगे। उस भारत बंद का ये भी एक हिस्सा होगा। पर विपक्ष के और भी जो आपकी सहयोगी पार्टी है राजद कांग्रेस का कहना है कि हम सदन का बहिष्कार करेंगे जब तक जो ऑफिसर है उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं। ये जो विपक्ष करेगा सब लोग मिलजुल कर करेंगे और हम लोग एक साथ करेंगे। हमारे साथ महबूब आलम भी हैं। सर, कल जिस तरह से जो घटना घटी उसके बाद आज आप लोग काला पट्टी बांध के प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जो शर्मनाक घटना घटी ये नीतीश कुमार के इशारे पर, और आसन का अध्यक्ष जो विजय कुमार सिन्हा है वो जो फांसीवादी ताकतों का प्रतिनिधि है, भाजपा के सदस्य है, ये इसी का प्रतिफलन था कि सदन के अंदर में डीएम एसएसपी को घुसा करके, जो सिविल पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स को घुसा करके और विधायकों को पीटा गया, महिला विधायकों को जलील किया गया, उनकी सारी खींच के लंगा किया गया। उसके बाद में बाहर में आकर के हमारे विधायक को ऊंट से पीटा गया, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत इन्होंने कर दी है, ये फांसीवादी ताकत है। और आज भी पूरा सदन जो है बिहार पुलिस से घिरा हुआ है। हम बिहार पुलिस से घिरे हुए सदन में हम जो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए हम सदन का बहिष्कार करेंगे, सदन में नहीं जाएंगे। हम धरना प्रदर्शन करने के बाद हम जो राजभवन मार्च करेंगे, इसलिए हमने अपने अपने काला पट्टी हम लोगों ने बांध कर रखा है। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि जो माले के विधायक हैं उनका कहना है कि जिस तरह से जो घटना कल घटी है उसको लेकर जो है वो आज यहाँ पर काला पट्टी बांध के प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ अजीत कुशवाहा भी, हम उनसे बात करेंगे। आज आप लोग काला पट्टी बांध के प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? ये कल की जो घटना है लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे काला दिवस के रूप में दर्ज हुई, जब बाहर से पुलिस को बुला करके माननीय सदस्यों के ऊपर हमले हुए, जब बूटों के तले लोकतंत्र को रौंद करके खत्म कर देने का एक नया फरमान जारी किया गया, जब विधानसभा के अंदर सरकार ने यह साबित कर दिया कि अब वो बिहार के अंदर लोकतंत्र को जीवित नहीं रखने देना चाहती है, वो लोकतंत्र को बर्बाद कर देना चाहती है। इसलिए आज काला दिन है, इसलिए हम लोग काला पट्टी बांध करके प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपकी और भी सहयोगी पार्टी है राजद कांग्रेस का कहना है कि कल जो उस तरह से जो घटना घटी उसके बाद हम सदन का बहिष्कार करते हैं, तो क्या आप लोग भी समर्थन कर रहे हैं उसका? अब बिल्कुल, महागठबंधन एकजुट है, जो भी फैसला होगा महागठबंधन की बैठक होगी उससे लिया जाएगा। हमारे विधायक दल ने अभी इस तरीके का कोई फैसला हमें नहीं दिया है, अगर जैसा वो फैसला होगा उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना है कि जिस तरह से कल जो घटना बिहार विधानसभा में घटी उसके बाद विपक्ष के जितने भी पार्टी हैं उनके विधायक हैं वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, और साफ तौर पर इनका कहना है कि सदन का बहिष्कार हम भी करेंगे। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जो विपक्ष करेगा सब लोग मिलजुल कर करेंगे और हम लोग एक साथ करेंगे। ऊंट से पीटा गया ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत इन्होंने कर दी है।
कल की जो घटना है लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे काला दिवस के रूप में दर्ज हुई।